यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि मैरिको लिमिटेड। कंप्लीट इसके बिजनेस एनालिसिस और इसके टेक्निकल एनालिसिस को करेंगे, किस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बेहतरीन ये शेयर है। देखिए सिर्फ नाम से कुछ नहीं होता, यहाँ पर हम कंप्लीट रूप से इसके एनालिसिस की बात करेंगे। कंपनी क्या करती है, कंपनी कौन से प्रोडक्ट कितना मार्केट शेयर रखती है। अगर कंपनी की बात करें, देखिए 30+ ईयर से कंपनी बिजनेस कर रही है और कंपनी का जो अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन $8.3 बिलियन का है। और बात करें 24% CAGR से कंपनी जब से स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही है उस समय से रिटर्न दिया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। अगर बात करें कंपनी के इन्वेस्टमेंट में, अगर यहां पर कोई 100 रुपीज़ 1996 में इन्वेस्ट कर रहा था, देखिए यहां पर रिटर्न जो होता 2021 में 20,525 रुपया होता। तो ये मैजिकल रिटर्न है जो कि स्टॉक मार्केट में मिलता है। यहां पर सिर्फ ये रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, अच्छा खासा यहां पर डिविडेंड भी मिलेगा, साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर्स भी आपके काफ़ी ज़्यादा हो गए होंगे बोनस और स्टॉक स्प्लिट के कारण। वही बात करें, यहाँ देखिए बॉटम लाइन जो CAGR रहा है कंपनी का 23% बॉटम लाइन होता है, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का इंक्रीज हुआ है। वहीं बात करें जो इंटरनेशनल बिजनेस से कंट्रीब्यूशन है वो 23% का है और रेस्ट 77% कंट्रीब्यूशन जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से है। अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी का दो बिजनेस है, एक इंटरनेशनल बिजनेस और दूसरा डोमेस्टिक बिजनेस। डोमेस्टिक मतलब हमारा इंडियन कंट्री में जो बिजनेस है, देखिए 77% रेवेन्यू ये कंपनी हमारे इंडियन बिजनेस से जनरेट करती है, जिसमें यहाँ पर रेवेन्यू का जो CAGR है मात्र 9% है और EBITDA का जो CAGR है 8% से ग्रो हुआ है लगातार। वही बात करें मीडियम टर्म में आने वाले समय में जो ग्रोथ है, वॉल्यूम में ग्रोथ 8-10% का संभावना है और वहीं रेवेन्यू में जो ग्रोथ होने वाला है वो 13-15% होने वाला है। तो और यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन में जो ग्रोथ होने वाला है 20%, तो 20% ऑपरेटिंग मार्जिन में ग्रोथ हो सकता है और वॉल्यूम ग्रोथ 8-10% जो कि काफ़ी बेहतरीन है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है 9% CAGR से, तो जो कि काफ़ी ह्यूज रिटर्न क्रिएट करके दिया है अपने इन्वेस्टर को। अब देखिए कंपनी का जो बिजनेस है वो कई सारे बिजनेसेस है, जिसमें देखिए यहाँ पर जो कोकोनट ऑयल है, इसका जो पैराशूट ब्रांड है वो इसका लीडिंग ब्रांड है। साथ ही साथ दो अन्य यहाँ पर ब्रांड भी है, निहार हो गया, ऑयल ऑफ मालाबार हो गया। ये तीनों जो प्रोडक्ट है कंपनी के टोटल रेवेन्यू का, जो इंडियन कंटिनेंट में रेवेन्यू है 77%, 77% में 43% जो कंट्रीब्यूशन होता है इन तीन प्रोडक्ट से होता है। और वही बात करें टोटल जो वॉल्यूम सेल होता है उसका 61% सेल्स अकेले इस तीन प्रोडक्ट का होता है, जिसमें अकेले 54% पैराशूट ऑयल है। तो पैराशूट ऑयल जो है इसका लीडिंग ब्रांड है और ये पूरे इंडियन बिजनेस में कोकोनट ऑयल में नंबर 1 ब्रांड है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है कोकोनट ऑयल में। वहीं दूसरा जो है वैल्यू एडेड हेयर ऑयल में, हेयर ऑयल में यहाँ पर देखिए 22% का कंट्रीब्यूशन देता है, जिसमें से देखिए लाइट हेयर ऑयल 24%, आमला ऑयल 27%, तो कुछ इस तरह से कंट्रीब्यूशन रहा है इस कंपनी के प्रोडक्ट का। कंपनी का जो और प्रोडक्ट है जिसमें सफोला इडबल ऑयल्स और फूड, इसका 27% रेवेन्यू है। तो देखते हैं कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, कई सारे ब्रांड है जो प्रोडक्ट को मार्केट में लीड करता है। उसके बाद प्रीमियम हेयर न्यूट्रिशमेंट, इसका 1% मात्र कंट्रीब्यूशन है कंपनी के रेवेन्यू में। वही फिर मेल ग्रूमिंग, इसका मात्र 2% कंट्रीब्यूशन है। तो मेन जो इसका पैराशूट ऑयल है उसका अकेले 54% कंट्रीब्यूशन है, रेस्ट इधर सबके सब जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हाइजीन, इसका 0.5% कंट्रीब्यूशन है। अब देखिए बात कंपनी अपना प्रोडक्ट सेल कैसे करती है इंडियन मार्केट में। देखिए जनरल ट्रेड जो यहाँ पर था 85% था 2012 में, 7% था ई कॉमर्स बिजनेस से, जबकि अब यहाँ पर उल्टा हो गया। जनरल जो ट्रेड है, जो जनरल मतलब यहाँ पर आउटलेट्स के थ्रू होता है, वो घट करके हो गया 72%, और जो ई कॉमर्स बिजनेस है जो ऑनलाइन के थ्रू प्रोडक्ट सेल होती है वो 7% से इंक्रीज होकर के 22% है। मतलब कंपनी जो मॉडर्न वे है ट्रेडिंग का उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। इस तरह से देखते हैं काफ़ी ज़्यादा कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन सेल हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है। और वही बात करें कंपनी के रीच का, तो 74% मार्केट शेयर था अर्बन एरिया में, 26% सेल होता था रूरल एरिया में, और यहाँ से कंपनी का जो पेंट्रेशन है वो रूरल एरिया में इंक्रीज होकर के 33% हो चुका है 26% से, और अर्बन एरिया में 74% से डिक्रीज होकर के 67%।
या यहाँ पर हम ये कहें कि कंपनी का पेंट्रेशन जो है रूरल एरिया में बढ़ा है, जिसके कारण ये रेशियो में परिवर्तन आया है। अब बात करें मैरिको के इंटरनेशनल बिजनेस का, तो देखिए इंटरनेशनल बिजनेस जो जो रेवेन्यू है किस प्रकार इंक्रीज हुआ है। 2016 में था यहाँ 1345 करोड़ का, यहाँ से बढ़ करके यहाँ पर 1859 करोड़ का हो चुका है 2021 में, और ये जो टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करता है 23%। वहीं हम इसके इंटरनेशनल पोर्टफोलियो की बात करें तो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो में बांग्लादेश में कंपनी सेल करती है, और कंपनी बांग्लादेश में कोकोनट ऑयल, हेयर ऑयल, स्किन केयर, बेबी केयर, इस तरह से सारे प्रोडक्ट सेल करती है। फिर वियतनाम हो गया, म्यांमार हो गया, फिर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका हो गया, मेना हो गया, तो इन सारे कंट्रीज में कंपनी अपना जो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी इन सारे देश में, इजिप्ट हो गया, साउथ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, वियतनाम, बांग्लादेश, इन सारे कंट्रीज़ में अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे स्केल कर रही है, तो जिससे कंपनी के बिजनेस आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो देखिए रेवेन्यू यहाँ पर जो कंपनी का है कुछ इस तरह से इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर 2020 में थोड़ा सा रेवेन्यू में डिक्रीज भी देखने मिला था, लेकिन ओवरऑल कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार इंक्रीज हुआ है। 2017 में रेवेन्यू था 5,936 करोड़ का, वहाँ सब इंक्रीज होकर के हो चुका है 8,048 करोड़ का। और वहीं पर जो ईबीटा मार्जिन है, वो मार्जिन भी कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर था 19.5% 2017 में, और यहाँ पर ईबीटा मार्जिन थोड़ा सा डिक्रीज हुआ 2018-19 में, फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंप देखने मिला 2020 में, फिर थोड़ा सा गिरावट देखने मिला है 2021 में। वहीं प्रॉफिट की बात करें, कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पर जो है कांस्टेंट रूप से, मतलब एक फ्लैट प्रॉफिट देखने मिला है 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में, नहीं तो ओवरऑल कंपनी का लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर 2017 में मात्र जहाँ 799 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं इंक्रीज होकर के हो चुका है 2021 में 1162 करोड़ का। और जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी देख सकते हैं, पहले डिक्लाइन हुआ 2018-19 में, फिर यहाँ पर इंक्रीज देखने मिला। अब बात करें कंपनी का जो आरओसी है, देखिए यहाँ पर 46.8% था 2017 में, और यहाँ से थोड़ा सा आरओसी डिक्लाइन होता हुआ देखने मिला है 44.6%, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतरीन है आरओसी। और ये जो देख रहे हैं कंपनी का कैपिटल एम्प्लॉयड है, कंपनी अपना कैपिटल एम्प्लॉयड को भी इम्प्रूव किया, उसके बाद भी आरओसी जो है काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का। अब बात करें कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न का, 59.6% इसमें प्रमोटर्स का स्टेक है, और 8% मात्र बैंक एफआई और इंश्योरेंस कंपनी का है, और एफआईज का स्टेक जो 24%। देखिए एफआईज ऐसे बेहतरीन स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा स्टेक देखने मिलेगा, और एज ए प्रमोटर स्टेक इसे भी आप ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल होते हैं। और 2% म्यूचुअल फंड का स्टेक है, 4.5 इंडिविजुअल्स का है, और वहीं 1.9 जो है अदर्स के हैं। तो देखिए इस तरह के बेहतरीन कंपनियों में आपको जो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनका काफ़ी कम स्टेक 4.5% मात्र देखने मिल रहा है, जबकि ऐसे स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। काफ़ी शानदार कंपनी है, कंपनी का बिजनेस प्लान भी काफ़ी अच्छा है, और कंपनी का जो ब्रांड है पैरासूट, वो एक मोट क्रिएट करके रखता है मार्केट में। अगर देखिए कंपनी के चार्ट पैटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म में देखिए चार्ट काफ़ी बेहतरीन है, किसी भी गिरावट में आप इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। देखिए 2020 के गिरावट जो हुआ था पैंडमिक के कारण, उसी में स्टॉक गिरा था, और 400 रुपीज से ये 230 रुपीज तक आया था। अदरवाइज इस स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिलता है, कभी भी कोई बड़ी गिरावट किसी भी लॉन्ग टर्म में गिरावट देखने नहीं मिला है, सिर्फ पैंडमिक जो है उसी में एक बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने मिला। तो जब भी गिरावट मिले आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं चार्ट काफ़ी सॉलिड है। 2020 का जो गिरावट था, अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट किए रहते तो यहाँ 100% से भी आपको कहीं ज़्यादा रिटर्न देखने मिलता। और अगर हम बात करें अभी, तो अभी जो आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है तो आपको यहाँ पर वेट करना चाहिए। अगर ये इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, अगर ट्रेंड लाइन सपोर्ट को ब्रेक करता है तो ये 500 तक आ सकता है। देखिए 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो 500 के नीचे इस स्टॉक आना काफ़ी इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट दे देता है यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को, देखिए ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है डेली चार्ट पर, अगर यहाँ पर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर ये स्टॉक ऊपर निकलते चला जाएगा। तो यहाँ पर आप SIP मोड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, या यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्शन का वेट कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर होगा आप यहाँ पे SIP मोड में इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि ये सारे स्टॉक आपको काफ़ी कम गिरावट देखने मिलेगा। जैसे गिरावट होता है तो और ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिएगा। देखिए लॉन्ग टर्म में स्टॉक ऊपर ही जाना है, शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा होता रहेगा, लेकिन ये स्टॉक जैसे भी करेक्शन मिलता है तो इन्वेस्ट कीजिए। अभी जो FMCG स्टॉक है उसमें रैली आना बाकी है, अभी रैली आया नहीं। जब रैली आएगा तो स्टॉक फिर पीछे मुड़ करके कभी नहीं देखेगा, स्टॉक ऊपर चलता चला जाएगा। और अगर कोई बड़ी गिरावट होती है तो ये 500 के लेवल को ब्रेक
करता है तो 480 तक ये स्टॉक आ सकता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।